अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। 9 बीजेपी विधायकों ने मंत्री पद के लिए शपथ। 9 विधायकों में से 5 पहली बार बने मंत्री। नए मंत्रियों में बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंक राम वर्मा है शामिल। प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही केंद्र और राज्य के बीच 5 साल तक चल रहा टकराव खत्म होना हुआ शुरू। विष्णुदेव साय सरकार ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए एफसीआई को फूल केंद्री के लिए छत्तीसगढ़ का उसना चावल खरीदने की मिली अनुमति। गरियाबंद के सीनापाली क्षेत्र में बाइकर्स गैंग की मदद से धड़ल्ले से उड़ीसा का धान हो रहा है पार। 2.5 किलोमीटर के रास्ते में 20 से ज्यादा बाइकर्स करते हैं रेकी। 7 पिकअप से रोजाना 30 से 40 खेप धान की हो रही है सप्लाई। बदले में गैंग को 1000 का करना होता है भुगतान। पुलिस के अलर्ट के बाद भी हो रही है तस्करी। सुकमा जिले में विक्रेता संघ की शिकायत के बाद कलेक्टर ने खाद्य निरीक्षक हरिशंकर साहू को किया निलंबित। विक्रेता संघ ने खाद्य निरीक्षक पर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ ही बियर, देसी मुर्गा और पैसे मांगने का भी लगाया था आरोप। जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर ने की निलंबन की कार्रवाई। नक्सलियों ने आज 22 दिसंबर को भारत बंद का किया आह्वान। नक्सलियों के इस बंद को देखते हुए बस्तर में अलर्ट मोड पर है फोर्स। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर जैसे जिलों में अंदरूनी इलाकों में घुसी है पुलिस फोर्स। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन है जारी। यात्री बसों के थमे पहिए। रोजगार की तलाश में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम गए जसपुर निवासी प्रवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। मृतक के शव को घर तक लाने में हो रही थी दिक्कत, जिसके बाद परिजनों ने सीएम विष्णुदेव साय से लगाई गुहार, जिस पर सीएम साय की पहल से मिली एम्बुलेंस की मदद। बालोद जिले के मरकाटोला घाट में नेशनल हाईवे 30 पर पहले से एक्सीडेंट हुए खड़े ट्रक से टकराई एक यात्री बस। घटना में 3 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से हैं घायल। वहीं घटना के बाद से फरार बस ड्राइवर और कंडक्टर की तलाश में जुटी है पुलिस। दुर्ग के गांजा तस्कर को बिलासपुर में जीआरपी ने किया गिरफ्तार। आरोपी झारसुगड़ा से अमरकंटक लेकर जा रहा था 6 किलो गांजा। जब्त गांजे की कीमत बताई जा रही है 1,20,000 रुपए। आउटर में ट्रेन के इंतजार में था आरोपी। जसपुर बगीचा से अपहरण एवं दुष्कर्म का आरोपी फरार होने से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। आरोपी साहिल अंसारी हथकड़ी खोलने के बाद छत से कूदकर हुआ फरार। 4 दिन बाद भी आरोपी का नहीं मिला कोई सुराग। लापरवाही बरतने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस किया गया जारी। जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाना क्षेत्र में बीएड की फर्जी मार्कशीट बनाकर झूठा शपथ पत्र बनाने वाले आरोपी संतोष वर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस मामले में आरोपी की बहन पहले ही जा चुकी है जेल। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर छत्तीसगढ़ में जारी किया गया अलर्ट। इसी बीच बिलासपुर जिले में विदेश यात्रा से लौटा एक युवक RT-PCR जांच में मिला कोरोना संक्रमित। वेरिएंट की जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया सैंपल। होम आइसोलेशन में है मरीज। नक्सलियों ने बीजापुर और आवापल्ली के बीच 2 यात्री बसों को किया आग के हवाले। इस दौरान घटना की कवरेज कर वापस लौट रहे पत्रकारों पर मुर्कीनार CRPF कैंप में वेरीफाई करने के नाम पर जवानों ने पत्रकारों से की बदसलूकी। जवानों की इस करतूत से पत्रकारों में है आक्रोश। रायपुर से विशाखापट्टनम भारतमाला प्रोजेक्ट में हादसा होने से 2 लोगों की हुई मौत। 2 अलग अलग हादसे में एक ड्राइवर और एक मजदूर की हुई मौत। दुगली थाना क्षेत्र के पालवाड़ी में निर्माण कार्य में लगा पोकलैंड पलटने से ड्राइवर की गई जान। तो वहीं केरेगांव थाना इलाके में सेंटरिंग धसकने से मजदूर की हुई मौत। महासमुंद सिंघोड़ा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान NH-53 पर रेहटी खोल में एक कार से 50 लाख का 100 किलो गांजा किया जब्त। कार में सवार एक शख्स गिरफ्तार, वहीं एक आरोपी है फरार। उड़ीसा से गांजा लेकर सतना मध्य प्रदेश में खपाने की थी तैयारी। आरोपी विनोद सिंह सतना मध्य प्रदेश का है निवासी। गरियाबंद के देवभोग थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला फुसला कर अनाचार करने वाले युवक को पुलिस ने 1 महीने बाद किया गिरफ्तार। आरोपी बमहनी गुड़ा निवासी अधभल मांझी उड़ीसा के धर्मगढ़ में अपने रिश्तेदार के घर रुका हुआ था। पता साजी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर उसके पास से लापता हुई नाबालिग को भी किया गया बरामद।
अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।